कार्बोलेटिन को स्वागत। आयुष्मान योजना विषय में सारा देशवासी को संबोधन करने बेले हठात कांदी पकाइले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कही दिल्ली और पश्चिम बंगर 70 वर्षर अधिक वयस्क लोकों मंच उपर क्षमा मागुची कारण यही योजना से ही दुई राज्य सरकार कथा कहुची जो राज्य में लागू करने को देना से सरकार दिल्ली में छिड़ा हो दिल्ली लोकों संबोधन कर मोदी कही दिल्ली में ठिया हो घोषणा करुछि किंतु दिल्लीवासी यार लाभ उठाई पारे ना दुई राज्य वयस्क सेवा करिबारु मु वंचित होइतिबारु मु दुखित बोली प्रधानमंत्री कहते मन को कष्ट सहित एक कहवा बेले बाष्परुद्ध हो जाते प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री एभली भाव विहल परेश सृष्टि करते प्रधानमंत्री ये कि अनुभव करते कारण आयुष्मान योजना को नहीं जितेबाला देशवासी पाखे लोकों पाखे सुविधा पहुंचेबा को केन्द्र सरकार योजना कर प्रधानमंत्री योजना कर लागू भी है कि से क्षेत्र में दिल्ली और पश्चिम बंगे 70 वर्षर अधिक वयस्क लोक आयुष्मान योजन सामिल हो पारे ना कारण से ही दुईट राज्य में आयुष्मान योजना राज्य सरकार लागू करने को दौना जो कि प्रधानमंत्री निजे अनुभव कर दुख प्रकाश कर मैं दिल्ली के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है, मुझे जानकारी तो मिलेगी लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा। और कारण दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की वृत्ति ये प्रवृत्ति मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती है। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं, मैं दिल्ली के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं। देशवासियों की तो सेवा कर पा रहा हूं लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की वृत्ति की दीवारें मुझे दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है, पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है। और मेरे लिए ये राजनीतिक पहलू से मैं बोल नहीं रहा हूं, भीतर एक दर्द होता है कि जिस दिल्ली से मैं बोल रहा हूं दिल्ली के भी बुजुर्ग मेरी बात सुनते होंगे। मेरे दिल में कितना दर्द होता होगा मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। तो आप देखुं प्रधानमंत्री क्योंभली भाव में भाव विहल होते कहीपर गोटे प्रकार जो मन को कष्ट कथा कही कहवा बेले प्रधानमंत्री किभली गोटे प्रकार बाष्परुद्ध हो जाते किसी क्षण ही बयान करुच्छे प्रधानमंत्री केते मात्रा रे गभीर कष्ट पाई जितेबाला दुई दुईट राज्य बा दिल्ली कथा कह पश्चिमबंग कथा कह जो आयुष्मान भारत योजना लागू करने को दि जाऊना सरकार तरफ जो कि 70 वर्ष वयस्क लोक मैंने सुविधा पाइबार ए योजनार जो लाभ पाइबार वंचित रोचा जहाँ को नहीं दुख प्रकाश कर प्रधानमंत्री। तेज बड़ कथा आज सारा देश में जितने देशवासी को संबोधन करुते नुआ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय आयुष्मान भारत योजना कथा कहते आउ से समय आम देखीचे प्रधानमंत्री कहला बेले जितेबले योजना बाबद कहते योजनार उपकारिता कथा कहते से समय दुख प्रकाश भी करिछंती एक कथा कही जे पश्चिम बंग आउ दिल्ली रे वयस्क लोक को मु एई मंचरु थाई कि क्षमा मागुछी 70 वर्षर अधिक वयस्क लोक जहाँ को मु क्षमा मागुछी कारण
दिल्ली एठी छिड़ा ही मु जो वार्ता देउछि बा आयुष्मान योजना कथा कहउछि एठी का लोक माने आयुष्मान भारत योजना रो सुविधा पाउ नहंती पश्चिम बंगर लोक माने आयुष्मान योजना रो लाभ पाउ नहंती ज्योति पई कि से दुख प्रकाश करथिले वरिष्ठ सांबादिक अक्षय साहू आम सहित जोड़ी होती श्रीजुक्त साहू स्वागत आपको प्रधानमंत्री वार्ता बा प्रधानमंत्री जो किसी क्षण बाष्परुद्ध हो गले दुख प्रकाश कले अनेक किसी संदेश देउछि श्रीजुक्त साहू आप देखु आयुष्मान योजना कथा कहुच्छे दिल्ली थी से दिल्लीवासी को कहते जे 70 वर्ष अधिक लोक योजन में सामिल हो पार ना जहाँ तक कष्ट देता सहित पश्चिमबंग कथा भी कहते बिल्कुल देखो आयुष्मान भारत योजना एभली एक योजना एटा साधारण जनता एटा गोटे संजीवनी सदृश कारण प्रत्येक लोक स्वास्थ्य सेवा चाहती एवं स्वास्थ्य आम जहाँ देखू से जड़े लोक जिते धनी होना कहीं दरिद्र ठार आरंभ कर धनी पर्यंत जदि किसी गोटे दुरारोग्य दुसाध्य रोग हुए तार सब पैसा से चली जाए जो गुटाक आम कहीपर जे अधिकांश लोक जिते रोजगार करती जहाँ कि संचिक रखि था गोटे दुईटी कम पर गोटे घर द्वार पाठपढ़ा एवं स्वास्थ्य पाई तो से स्वास्थ्य खर्च थे मानने सबकि घर आपणकर सामाजिक व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था पूरा उजुड़ी जाए तो प्रधानमंत्री से दृष्टि रखिक प्रथम आयुष्मान भारत योजना लागू करते परवर्त अवस्था ताको आहरी संप्रसारित करते जे 70 वर्ष ऊर्ध जे रही से जेकोसी आय वर्गर हूँ ना कहीं कारण समस्त को स्वास्थ्य सेवा ही दरकार अधिकांश समय देखु आम धनी परिवार वयस्क व्यक्ति मैंने संतान मान द्वारा हताश होता तेणुक से जो गोटे से ताको दृष्टि रखी प्रधानमंत्री इतने धनी दरिद्र समस्त को ये सामिल करने घोषणा करते गत बजेट समय घोषणा कर एवं तापर एटा विभिन्न राज्य में कार्यकारी होगा आरंभ होती किंतु पश्चिमबंग दिल्ली में हो पारना यही जेहेतु सरकार से आपणकर बीजेपी विरोधी सरकार रही तेणुक काले बीजेपी माइलेज नहीं जाने लागू करूना जमी आम ओडिशा एक्जाक्टली नवीन पटनायक सरकार करुते से भाई एक्जाक्टली से बर्तमान चली तो जड़े लोक जे एत महत्वाकांक्षा रखिक योजना को परिकल्पना करूपायन करते से परिकल्पित कार्यक्रमता रूपायित हो पारना मन भितर निश्चित गोटे आसब क्षोभ आसब अवशोष आसब गोटे से संता तर प्राण संतापित हम जहां आम देखुचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी क्षेत्र में निश्चित भाव से ये जो संतापित जो हृदय कहते यहाँ कौन प्रकार अभिनय नुहे यहाँ गोटे लोक जी कि अति निकट रु देखी चारित्र अति निकट रु अनुभव आउट ऑफ दि पॉकेट एक्सपेंडिचर जोटा कहती जोटा सीधा सड़क मेडिकल आम जो पैसा टा खर्च कर दू आम पॉकेट रु चली जाए घर चली जाए आउट ऑफ दि पॉकेट एक्सपेंडिचर कहती जितेबाला सबकि व्यय करदेव आउट ऑफ दि पॉकेट एक्सपेंडिचर आम दरिद्र जाऊ तो बिल्कुल बिल्कुल जो खर्चा एक्स्ट्रा न हो से प्रधानमंत्री चाहती एवं जो आयुष्मान योजना लागू करने को जाऊे कि बर्तमान समय दिल्ली एवं पश्चिम बंग ए विरत रही जहाँकि गोटे प्रकार गभर दुख दे प्रधानमंत्री को धन्यवाद आपंकर तमाम प्रतिक्रिया श्रीजुक्त साहू ओडिशा रे लागू है आयुष्मान योजना योजनार शुभारंभ कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भिसीरे आयुष्मान योजना शुभारंभ करिसेंती प्रधानमंत्री आ प्रथम थर पर आयुष्मान को ग्रहण कला ओडिशा 2025 मार्च सुधा एथिरे 1 कोटि परिवार सामिल हेबे 70 वर्ष उपरे धनी गरीब समस्त को मिलिबो मागणा चिकित्सा सुविधा 2025 मार्च रु आयुष्मान गोपबंधु आरोग्य कार्ड कार्यकारी हेबो सरकार ने तय किया कि गरीब के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। आज मुझे संतोष है कि देश में लगभग 4 करोड़ गरीबों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है। ये 4 करोड़ गरीब अस्पताल में भर्ती हुए इनमें से कुछ तो अलग अलग बीमारियों के लिए कई बार भर्ती हुए अपनी बीमारी का इलाज कराया और इन्हें 1 भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। अगर आयुष्मान योजना न होती
तीन गरीबों को करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए अपनी जेब से देने होते।